उसमें कोई स्पेशलिटी तो रहती ही है एंड आई थिंक दिस विल ऑल्सो बिकम अ स्पेशल. काफी महीनों से एक्चुअली मैं वेट कर रहा था इस दिन का जश्न रिलीज होगा देखूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जिसने जश्न में काम किया इनविट मेंबर्स मेरे साथ भी काम करते हैं और जिन्होंने जश्न की शूटिंग से वो मेरी शूटिंग पे आते थे हमेशा जश्न के बारे में अच्छा ही कहते थे कि जश्न ऐसा शूटिंग हो रहा है वैसा शूटिंग हो रहा है सीन्स के बारे में. तो मैं काफी दिन से कौतूहल था और ये उत्साह था कि फिल्म कब प्रीमियर होगा. आज वो दिन आ गया है और मैं जश्न मनाने जा रहा हूँ. टॉम, इफ आई से ऑल द बेस्ट बिकॉज आई हैव सीन दिस फिल्म एट द एडिट लेवल एंड मैं इसलिए यहाँ पर आज आया हूँ क्योंकि मैं इस पिक्चर में बिलीव करता हूँ. मुझे लगता है ये ऐसी पिक्चर है जिसका दिल सही जगह पे है. जो आजकल पिक्चरें जो बन रही है जिनके दिल ही नहीं होती है, सिर्फ ऐसे बड़े बजट और बड़े स्टार्स के साथ बनाई जाती है, उनका दिल कहीं महसूस नहीं होता. ये ऐसी पिक्चर है जो मुझे एडिट लेवल पर बुलाई थी तो आई एम हियर टू सपोर्ट. अभी तक जो रिस्पॉन्स मिला है अच्छा मिला है एंड पीपल आर लाइकिंग, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी फिल्म के साथ, इसीलिए शायद यू नो ऑल द मोर दे लाइकिंग व्हाट दे सॉ. बहुत बहुत बधाई अध्ययन को. मैं समझता हूँ कि एक नया सितारे का जन्म हुआ है, एक ऐसी फिल्म और एक ऐसा रोल जो कई सदियों में एक बार आता है और ये बहुत खुशनसीब है कि उन्हें महेश भट्ट जैसा निर्देशक मिला, उनका बैनर मिला और एक बहुत खूबसूरत फिल्म. संगीत का बहुत ही मतलब इम्पैक्ट होता है महेश जी के फिल्म्स में, तो संगीत का जो जोश होता है इस फिल्म में भी है. म्यूजिक जो है वो बहुत बड़ा पार्ट है हमारी इंडस्ट्री का और गाने ऑलरेडी हिट हो चुके हैं. अब फिल्म के ऊपर है, अब नैरेटिव के ऊपर है, स्टोरी के ऊपर है. जब हमने फिल्म को प्रमोट किया था तब हमने फिल्म की स्टोरी के बारे में इतनी बात की, कहानी के बारे में इतनी बात की, परफॉर्मेंस के बारे में इतनी बात की और ये कहा कि आज ऐसी फिल्में नहीं बन रही है जो आपको दिल को छूती. तो जश्न एक ऐसी फिल्म है जो मैं वादा करता हूँ करेगी, क्योंकि मुझे पता है ये करेगी, बिकॉज हमने ऐसी फिल्म बनाई. इट्स एन इमोशनल ड्रामा, इट्स अ जर्नी ऑफ अ बॉय हु वांट्स टू बी समबडी इन लाइफ एंड उसके लाइफ में तकलीफें, उसके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स, हाउ ही फॉल्स एंड राइजेस इज व्हाट जश्न इज ऑल अबाउट. मेरी निगाहें उस पे रुकी है, आधा सफर चाहत का तय कर चुकी है, उसके असर ने मुझको छुआ है, शायद वो ना जाने ये मुझको पता है. माय कैरेक्टर सारा, शी इज अ वेरी स्वीट सैसी गर्ल इन द फर्स्ट हाफ एंड gets a little more mature and intense in the second half. मेरा सपना जो है फिल्म में वो एक रॉकस्टार बनने का है. उसकी स्ट्रगल की कहानी है, उसकी जर्नी है, जब वो एक नोबडी से somebody कैसे बनता है और जब वो somebody बनता है, सक्सेस को हासिल करता है, उसके साथ वो जश्न कैसे मनाता है ये कहानी. इश्क का है काम पुराना, चैन बनते चैन चुराना. अध्ययन इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर. आई थिंक अभी बहुत यंग है, तब भी इस उम्र में भी उन्होंने जो इमोशनल परफॉर्मेंस अभी दी है, जिस तरह की इमोशनल मैच्योरिटी दिखाई है फिल्म में, इट्स क्वाइट कमेंडेबल. जो टैलेंट मुझ में है वो लोगों को दिखता है, जो मुझे नहीं आता वो भी लोगों को दिखता है. एंड थ्रू जश्न आई एम होपिंग दैट पीपल लुक एट मी एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर एंड देन अ स्टार. यहाँ पे लोग एक्टिंग छोड़ के सब कुछ करते हैं. प्रॉमिस करता है कि फिल्म दिल को छुएगी. प्रोमो ये प्रॉमिस करता है कि फिल्म में बहुत डेप्थ है. जी, उम्मीद तो यही है, यही मान के चल रहे हैं कि जो परफॉर्मेंसेज है, जो कहानी है, जो स्टोरी है वो स्ट्रांग है, तो उस बेसिस पे चलनी चाहिए. फिल्म हिट है या फ्लॉप है ये तो मेरे हाथ में है. जो कर सकता था मैंने कर लिया, फिल्म के लिए सब कुछ दे दी, जान दे दी फिल्म के लिए. अब आप लोगों के ऊपर है कि ये फिल्म को पसंद करें और चलाइए.